हेलो दोस्तों, आज जो मैच है बीबीएल जो मैच है वो आज मेलबर्न स्टार और सिडनी थंडर के बीच होने वाला है मैच। इस मैच के अगर ड्रीम टीम की बात करें तो इसमें जो क्लार्क बहुत ही शानदार फॉर्म में है। इससे पहले आपने देखा होगा T10 में इन्होंने अच्छा फॉर्म में थे, इस बार भी देखिए आप अच्छी एवरेज 50 पॉइंट इन्होंने दिए हैं और बैट्समैन में अब तो आपको 1 से 8 बैट्समैन चूज करने के लिए है। पहले तो बात नहीं है, 3 से 6 बैट्समैन चूज करने होते थे। वार्नर इनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। डेविस भी अच्छे फॉर्म में है, रोजर्स को भी आप रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। सैम करन बैट बॉल दोनों सब करन पॉइंट बना कर देंगे। एस्टोनिक्स पिछले मैच में अच्छा पॉइंट दिया था इन्होंने, 55 पॉइंट दिया था, तो आप इनको भी पिक कर सकते हैं। बॉलिंग भी जाते हैं तो वेस्टर्ड बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट आपको देंगे। और बेन कटिंग उससे कुछ खास ऑप्शन है नहीं आपके पास। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, कुल्टन नाइल जंपा को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे स्पिनर है। एलवुड को भी आप रख सकते हैं और एक खिलाड़ी की बात करें क्रिस ग्रीन को ले सकते हैं, गुरिंदर संधू को भी ले सकते हैं, उस्मान कादिर को भी ले सकते हैं, हेचर को भी रख सकते हैं। ये 10th प्लेयर आपके ऊपर है। अगर मुझसे बात किया जाए तो गुरिंदर संधू जब भी आए हैं पॉइंट देख गए हैं, एवरेज पॉइंट 48 उनका है, इनको भी रख सकते हैं या फिर आप हेचर को भी रख सकते हैं। ये भी 7 मैच में 47 पॉइंट एवरेज दिए हैं, इनको भी रख सकते हैं। मैं गुरिंदर संधू के साथ जा रहा हूँ। अगर आप और कैप्टन की बात करें तो कैप्टन ज़्यादातर लोग वेस्टो को ही कैप्टन बनाना चाहेंगे, बॉल भी डाल रहे हैं, बैटिंग में भी आते हैं 1-2 विकेट के बाद, इसको इनको भी जाना ही है। आवाज़ कैप्टन के आपको बहुत से ऑप्शन है, जो क्लार्क के पास जा सकते हैं, डेविड वार्नर है, डेनियल सिम्स हैं, कुल्टन नाइल जंपा, बहुत सारे ऑप्शन है वाइस कैप्टन का। तो वाइस कैप्टन अब अपने तरीके से सोच कर रख सकते हैं। मैं जानना चाहूँ तो मैं डेविड वार्नर के साथ जाऊँगा, क्योंकि इन्होंने 4 मैच खेले हैं, 4 मैच कुछ किया नहीं है, एक ऐसी एवरेज है। आज हो सकता है आज उनको अच्छा दिन रहे, मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।